गुना में सद्भावना एकता शिविर जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 28 राज्यों के 450 युवा सहभागिता कर रहे हैं। जितेंद्र ब्रह्मा भट्ट जिला संगठन ने बताया है कि शिविर में योग प्राणायाम ध्वज शिष्टाचार अंतर्गत ध्वजारोहण एवं ध्वज अवरोहण के बारे में विस्तार से युवाओं को सिखाया जाता है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के बली शहर के इंद्रियान उड़ान रहे, जिनको भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्वज लीडर के रूप में मध्य प्रदेश के जबलपुर से पंकज सेन रहे। शिविर समापन पर मध्य प्रदेश की ओर जितेंद्र ब्रह्मा भट्ट को शिविर संचालकों की ओर राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। भाई जी, सद्भावना एकता शिविर का समापन किया गया, जहाँ मध्य प्रदेश दल की ओर से मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैं सभी अपने युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण आज मुझे मध्य प्रदेश की ओर से सम्मानित की पगड़ी, राजस्थान की जो आनमान शान है पगड़ी पहना के सम्मानित किया गया। और हमारे सभी मध्य प्रदेश वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमारा जो सद्भावना एकता शिविर था बहुत अच्छा रहा, और समापन पर सब लोगों को पगड़ी पहनाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुना से रणधीर चंदेल की यह रिपोर्ट।